अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक। आज माशाल्लाह पहला रोज़ा है रमज़ान का, और ये हमारे एहसान भाई फिर से चारा लेके आ गए हैं इनके लिए, जानवरों के लिए, और ये इनके डालेंगे चारा। ठीक है, तो उसके बाद आज वो शाहकार जिसका था इंतज़ार है वो हम आपको दिखाएंगे, जो चीज़ें हमने अपने फार्म में ऐड की हुई हैं। कल से आपको काफ़ी इंतज़ार करवाया हुआ है उस चीज़ का, उस बात का, लेकिन इंशाल्लाह ना आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो हमने क्या कहते हैं, ये जो वाइट के साथ बैठा हुआ ना रैबिट, ये हमने ऐड किया है। ये देखें, ये हमने सबसे पहले तो ये ऐड किया। ठीक है, इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे, तो देख के इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एहसान भाई, ये नहीं करो ऐसे, छोड़ दो, उधर रहने दो बस। ठीक है, इधर रख दो। इनमें से ना इतने से उठा के ना अलग कर लो। हाँ, ये उधर ऊपर रख दो, ऊपर वो छाँव में, छाँव की तरफ ऊपर रखो, छाँव की तरफ बस। ठीक है, बाकी छोड़ दो, उनको खाने दो इधर। अच्छा, तो ये अभी ये खा रहे हैं। ठीक है, और वो इसको भगा रहा है, वो स्मेल को भगा रहा था अभी। एहसान भाई, और रानी को पानी डालो यार, उसको पानी नहीं डाला उसको सुबह से, उसको पानी भी डाल दो। अच्छा चले, हम आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते, तो हम आपको ना दिखाते हैं, चले आए मेरे साथ। अच्छा, तो ये जो सरप्राइज़ है ना वो इसके पीछे है, सरप्राइज़ है ना वो इसके पीछे है। तो चलें, अब आपको मज़ीद वेट नहीं करवाते, आपको दिखाते हैं। एहसान भाई दिखाओ यार अपने ऑडियंस को, अपने दोस्तों को दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये अभी तो आपके सिला जो कैट है, लेकिन ये कैट नहीं है, ये है इंग्लिश अंगूरा रैबिट है, फैंसी रैबिट है, ये न्यूजीलैंड के रैबिट हैं, और इधर इनकी पाकिस्तान में भी ब्रीड हो रही है। तो ये हमने कल परचेज़ किए थे मार्केट से, मेरा मार्केट वाला व्लॉग भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो ये चेक करें इनको। एहसान भाई बाहर निकालो इनको, दूसरे को भी निकालो। छोड़ो इनको, पीछे हटो। चेक करो, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह की शान है, देखें कितने खूबसूरत अल्लाह पाक ने ये जानवर बनाए हैं। यानी हाथ लगाने से भी मैले होते हैं, तो इनको भी इनकी फैमिली में छोड़ देते हैं, जिधर वो पहले हैं ना उनके साथ इनको छोड़ देते हैं। एहसान भाई उठा के लाओ दोनों को। एहसान भाई देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये इंग्लिश अंगूरा हमारे, इनको भी छोड़ते हैं उनके साथ। एहसान भाई उधर छोड़ो इनको, उधर 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 जिधर मुर्गियां वो खा रही हैं, इधर छोड़ दो इनको। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारी आज इस फार्म फैमिली का हिस्सा बन गए हैं ये भी आज से। तो माशाल्लाह हम तो काफ़ी एक्साइटेड थे इनको लेके। एहसान भाई वो दूसरा सरप्राइज़ भी लेके आओ अंदर से, एक और भी है, इसके अलावा भी एक और चीज़ है जो आपको दिखानी है। ये आपसे वादा किया हुआ था कि इंशाल्लाह हम और चीज़ें ऐड करेंगे, तो अपने वादे के मुताबिक हमने और चीज़ें ऐड कर ली हैं। इनके काम चेक करें, मट्टी में खेल रही है, इसी माहौल में है, और वो एक रैबिट नीचे सो रहा है, और एक ये है। ये एक और चीज़ दिखानी थी आपको माशाल्लाह, ये देखें ये दिनों में माशाल्लाह कैसे कवर हो रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह, टेल भी काफ़ी मतलब इनकी वाजिया हो गई है, और ये माशाल्लाह दिनों में माशाल्लाह कवर हो रहे हैं, देखिए माशाल्लाह, एक ये एक वो है।
हाँ जी एहसान भाई दिखाएं, एक इसमें है एक सरप्राइज आपके लिए, ये देखें। ए ए बेबी 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 माशाल्लाह चेक करें, ये है जी रिंगनेक का बच्चा। ये हमने ना फ्री फ्राई ट्रेन करना है तो उसके लिए ये लेके आए हैं हम कल। तो ये एक वो इंग्लिश एंगोरा रैबिट और एक वो देसी रैबिट, हम ये तीन चीज़ें कल परचेज़ करके लेके आए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद भी मतलब चीज़ें मतलब जो है ना हम इंक्लूड करेंगे अपने इस फार्म में, और चीज़ें शामिल और परिंदे या और जानवर शामिल करेंगे इंशाल्लाह, और भी चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। तो ये चेक करें, ये आप सोच रहे होंगे यार इनको बड़ा कैसे करना है, तो इंशाल्लाह बड़ा तो अल्लाह पाक ने करना होता है, लेकिन हमारी मेहनत होती है तो इसके ऊपर मतलब काफ़ी मेहनत लगती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको मैं फीड कैसे करवाता हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो इंशाल्लाह दिखाएँगे आपको कि इसको फीड कैसे करवा रहे हैं हम। चलें भाई जाएँ अपने घर में, इधर ये इसी में रहेगा जब तक ये मतलब फुल कवर नहीं हो जाता, तो ये इसी में ही रहेगा, छोड़ो जब तक फुल कवर नहीं हो जाता तो इस तब तक इसका घर यही है, फिर उसके बाद इसको अलग से केज में ना शिफ्ट कर देंगे। चलो यार उठाओ इसको, इसको रखा हो अंदर, इसको रूम में रखा हुआ है अपने पास ही, बिल्कुल बच्चों की तरह इसको भी ट्रीट करना पड़ता है, अलग से फीड देनी पड़ती है इसको, तो मतलब ये तभी मतलब ये होगा अच्छे वाला बनेगा। एहसान, एहसान भाई ये देखें, ये रानी के पास जा रहा है, ऐसे ना रानी इसको काट ले, तो हम इसको रानी से बचाते हैं। एहसान भाई इसको पकड़ के ले गया, वो रानी के पास जा रहा है, रानी के काम देखे, रानी आहिस्ता आहिस्ता इसके पास हो रही है। इसके इधर छोड़ो, इसके अंदर छोड़ो, इसके अंदर वो उधर मिट्टी की तरफ छोड़ो, क्या करते हैं, आगे 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 की तरफ छोड़ो, इधर छोड़ो इनको, इसको भी साथ में छोड़ना, इसको भी उठाओ, इनका नेचुरल माहौल तो यही है। वैसे तो इनकी जितनी भी ब्रीडिंग इधर पाकिस्तान में मैंने देखी है ना, वो सारी ना केजेस के अंदर हो रही है, मतलब केज हैं उसके अंदर हो रही है, लेकिन केज के अंदर ना इनको माहौल नहीं मिलता वो वाला नेचुरल, तो जिसकी वजह से ना मैंने इनको इस मैं भी इन पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि हम इनको इधर आज़ाद छोड़ें, तो देखते हैं क्या होता है, मैले हो जाएंगे थोड़े से, लेकिन कोई बात नहीं साफ़ हो जाते हैं खुद ही है, लेकिन अब ये मिट्टी में आए तो ये मैले हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं खैर है, ऐसे घूमते फिरते खुद ही मतलब साफ़ सूफ हो जाया करेंगे। अब कैद करके भी रखना, असल में मैं ना किसी भी परिंदे या जानवर को कैद में रखने के हक में नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये पैरेट है इनको मैंने रखा हुआ है, अब ये कबूतर हैं ये भी खुले घूमते रहते हैं सारे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको कैद में रखना पड़ता है, तो बस इसीलिए मतलब इनको कैद में रखा होता है, वरना मैं किसी चीज़ के हक में नहीं हूँ कि किसी जानदार चीज़ को आप कैद में रखें। तो बस यही सोच रहती है कि इनको मतलब फ्री रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इनको आज छोड़ दिया, सिर्फ तब तक इनको रखा हुआ था ला के जब तक मैं ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर लेता, तो मैंने कहा वो थोड़े से ऐसे ना मैले हो जाएं तो वो फिर अच्छे नहीं लगे ना तो इस वजह से इनको मतलब तब तक रखा हुआ था केज में, लेकिन वो भी बार 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 इनको चारा डाल रहा था, माशाल्लाह ये चारा बहुत खाते हैं, तो इसलिए बार बार इनको चारा डाला जा रहा था, ये अब छोड़ दिया है इनको, अब ये इजी माहौल अपनी मर्ज़ी से घूमें, चाहे इधर जाएं उधर जाएं, केज के नीचे जाएं, जिधर मर्ज़ी घूमते फिरते रहें, कोई मसला नहीं है। एहसान भाई वो मुर्गी ने देखे अंडा दिया है, अगर उसने भी अंडा दिया है तो उसको भी खोल दो यार, चेक करो पहले, चेक कर लेना अंडा है या नहीं है इसके नीचे, देखें ज़रा आप, अगर अंडा हुआ तो उसको मतलब उठा लेना हटा देना, नहीं हुआ तो छोड़ देना, देखो अंडा,
चलो बंद कर दो, बंद कर दो, रहने दो इसको इसी के अंदर। बल्कि ऐसे करो यार, इसको ना उस वाले क्रेट में बंद करो। हाँ, इस वाले क्रेट में बंद करो, इसको उठा के पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो यार, पकड़ लो। क्या हो गया ये इसके ऊपर ना, ये वाला इसके ऊपर इंट रखो, एक इंट रखो, ये वाली उठा लो। माशाल्लाह खूबसूरती तो ना ओवरलोडेड है। माशाल्लाह आप भी इनको देख के लाजमी से माशाल्लाह कहें। माशाल्लाह खूबसूरती तो माशाल्लाह इनकी ना ओवरलोडेड है। चेक करें, ऐसे ही आपके लिए और यूनिक यूनिक ब्रीड्स, यूनिक यूनिक चीज़ें आपके लिए लेके आते रहेंगे हम। तो अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता हो, और आपका अगर कोई आपको क्वेश्चन हो इन परिंदों और जानवरों के बारे में, तो आप वो हमसे लाजमी कमेंट में करें। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। ये व्लॉग हम आज का इधर ही एंड करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।